तीन दिनों से कड़कड़ाती ठंड ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी है। प्रदेश के कई इलाकों में ठंड से फसलें खराब हुई है। बड़नगर तहसील में भी फसलों को नुकसान हुआ है। शीतलहर से आलू, मटर, चने, गेहूं, सरसों, मसूर, अलसी फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींचती नजर आ रही है, जिसको देख स्थानीय विधायक मुरली मोरवाल ने ग्राम पलसोड़ा, खरसोत खुर्द, इंगोरिया सहित आदि दर्जन गांवों का दौरा किया और फसल का जायजा लिया। विधायक मोरवाल के साथ कृषि विभाग एवं उद्यमी विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। भाई, मैं कल तहसीलदार साहब वर्मा जी के साथ इंगोरिया क्षेत्र का मैंने दौरा करा है और नुकसान 60-70%, 80%, 40%, 50% नुकसानी हुई है। और आज भी मैं चार गांव दौरा करके आया हूँ, बालोदा, लखा, बालोदा, कोरन, अजड़ावदा, बड़े बड़े गाँव में खुद भी जा रहा हूँ। और कल से आज हमारे तहसीलदार साहब ने, शर्मा जी ने और वर्मा जी ने आज वो नागार्जुन मीटिंग बुलाई थी पूरे बड़नगर तहसील के कस्बा पटवारी उनकी और कृषि विभाग अधिकारी उनकी एक टीम कल से जाएगी। 7 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट लाके तहसीलदार साहब एसडीएम महोदय को देंगे और उसके बाद उसका बीमा मिलेगा। हम लोगों ने साफ कर दिया है कि किसी गांव के अंदर पक्षपात नहीं होना चाहिए, वो कोई सी पार्टी का हो, जिसका नुकसान है उसको बीमा मिलना चाहिए। फसलों की खराब स्थिति को देख तहसील कार्यालय पर बैठक आहूत की गई, जिसमें तहसीलदार श्रीकांत शर्मा की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रत्येक पटवारी को निर्देश दिए गए हैं कि पाला प्रभावित इलाकों का दौरा कर खराब हुई फसलों की रिपोर्ट तैयार की जाए। पिछले 2 दिनों में शीतलहर से फसलों के प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो हमने राजस्व विभाग के पटवारियों और कृषि विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से फसलों के नुकसान के आकलन के संबंध में बताया गया, आकलन किया जा रहा है। वो डाटा है हमारे पास में, उसमें हम देख ले रहे हैं। सामान्य तौर पर चने की और मटर की फसल को और आलू की फसल के बारे में सूचना प्राप्त हुई। अधिकारियों की माने तो बिना किसी भेदभाव के पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारी नुकसानी का आकलन कर 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, उसके बाद ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, बड़नगर।